हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मोना कहती है, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर तो बनता ही है। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये देखिए शुभी आई है, तो मैं इसको अपना आप पे टेस्ट करा रही हूँ। कह रही है आप दिन रात ये बनाती, क्यों बनता है, कैसे बनता है, किस लिए बनता है, इतना क्वेश्चन पूछ रही है। खा के बताओ पता नहीं इसको कैसा लगेगा। इतनी सा क्या शुभी, जैसे लग रहा है कि मुंह को देख लियो, अगर टेस्टी नहीं बनी तो क्या करेंगे, मारेंगे ना। अच्छा लग रहा है, आप बनाइए, बुराई नहीं करेंगे, करेंगे तो। कितना छोटा छोटा बाइट लेकर लगा, मास्टर शेफ की वो है। कैसा बना है? अच्छा। आज मेरा और शुभी का हेयर कट होगा। ये किसका होने जा रहा है? पहले मेरा तो अभी भीग गया, मैं धुल धुल के आई हूँ। और ये रही हमारी मैम जो कट करेंगे हमारा बाल, और अभी मुझे बताएगी कि कितने बाल कट कराने हैं। ठीक है, चलो बताओ। ये लड़की इतने बाल कटवाएगी, ना नीचे से रफ हुए हैं ना ड्राई हुए, लेकिन ये इतने बाल कटवाएगी। कहाँ तक जाएंगे ये बाल? यहाँ तक। चलो ठीक है, मुझे क्या अभी बेचैन है, मम्मी से पूछी हो ना। चलो गाइस, कुत्ता आ गया। मम्मी आए सामान ले। हाँ आ गया, ये रहा कृषि का सामान। मैं सामान अगर खा ला भी, इस लड़के को थोड़ा भी ग्रेट नहीं हुआ है कि कम से कम बैग उतार ले, यूनिफॉर्म उतार ले। आ गया, पता नहीं क्या का अबाड़ कबाड़ मंगाता है। कितना यार, कितना पैकिंग में आया है। अच्छा, स्टील का स्ट्रॉ है, ये तो कभी खराब ही नहीं होगा। और ये साफ करने वाला स्ट्रॉ, कितना आजकल अति हो रही है ना, अति हर चीज की अति हो गया है। तो मतलब एक और वो खरीद सकते हैं हम लोग। मिला नहीं शुभी। मैं दिखाई हूँ, बोली नहीं आंटी इतना नहीं, इतना करिए। वाओ, बट बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कल जाएंगे, अब हम भी बाल कटवा के जाएंगे। गर्लिश लुक आएगा। हाँ, इसे कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हैं। हाँ, एकदम। शुभी के बाल किधर से बता रहे हैं? हेयर कट के बाद फाइनल लुक कुछ ऐसा था। कितना काटू बोलो, कितना काटू? रफ तो निकालना पड़ेगा। कितना बताओ, कितना ऐसे कटेगा? ऐसे तो कितना कटेगा, यू करते हैं तो कितना बताओ? इतना कट जाएगा, इतना। हाँ, जितना रफ थोड़ा सा कटे, जितना जा कोशिश करेंगे, लेकिन रफ निकलेगा तो अच्छी बात है। हाँ, तो जितना रफ है उतना निकाल दो, लेकिन आंटी आंटी उतना, आंटी उतना ज्यादा रफ, कितना इतना रफ और ऊपर और ऊपर ऐसे रख के बताओ। बाल यहाँ तक, मतलब ये वो लेंस रहेगा फिर उधर। हाँ ठीक है, काट दो, बढ़ना तो है ही, बढ़ने को तो बढ़ेगा। तुमको कान में खोसने को कहे बाल एक बार भी, कि तुम खोसती जा रही हो। मम्मी, मैं तुम्हारे पार्लर में आज के बाद से नहीं आऊंगी। बहुत चिल्ला रही हो। कौन कौन पार्लर वाली अपने क्लाइंट के ऊपर इतना चिल्ला रही है? कौन क्लाइंट पार्लर वाली ऐसे राक्षस से सवाल सुलझाती है? खड़ी हो जाओ। कैसी है आप? कभी खड़ा कर नहीं, बैठा नहीं, एक जवाब का नहीं ऊपर है। परेशान करोगी तो यही करूंगी, एकदम मेरे इतना कर दीजिए आंटी। चुप रहो, सबको तो थप्पड़ मारूंगा। आओ, ये बहुत नाटक करी है यार, ऐसा कस्टमर कभी ना आया हमारे वहाँ। हम तो इतने आराम से कटवा, एकदम छोटे छोटे कर दे रही हूँ बाल। मम्मी प्लीज, मिशी अब शांत रहोगी। कद जितना कटना था उतना कट चुका गया अब तो काम। शुभी, अगर मम्मी ज्यादा कटा होगा ना, बैठ के रोने लगेंगे यहीं पे। हम कभी देखे नहीं, हम देखे आज देख ली। मिस्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नहीं करके बराबर ही रहने देना। क्यों मम्मी? मेरा बाल आपको महसूस हो रहा है कि यहीं तक है। कहाँ तक?
जैसे हो वैसे शांति से रहो। बाल मम्मी हम इसको थप्पड़ मार देंगे। किसको? इसी को कटवा लोगी तब ना। मम्मी तुमको पता है तो मेरा बाल कितना करती है। रीशा के आगे का बाल ना बड़ा उसका बाल है। और मीठी के हेयर कट के बाद कुछ ऐसा लुक आया था, ये तो कुछ ज्यादा ही स्टाइल मार मार के फोटो खिंचवाई है अपनी। आज आपको एक क्विक रेसिपी देती हूँ गाइस आलू के पराठों की, बहुत इजी है। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्ची जीरा को सौते करके मैंने निकाल लिया है। उसके बाद इसी ऑयल में थोड़ा और ऑयल एक चम्मच डाल के, ज्यादा ऑयल नहीं, आलू को मैं सौते करूंगी। इसको डालने के बाद मैं इसमें हल्का सा नमक डालूंगी और इसे पैक कर दूंगी। ध्यान रहे कि जलने ना पाए, तो अगर आप चाहें तो इसमें बहुत थोड़ा सा, मतलब 4-5 चम्मच पानी डाल सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही पैक करी हूँ बिकॉज मेरा आलू गीला था और ऑयल मैंने नहीं डाला था, तो मैं थोड़ा सा ऑयल और डाली हूँ। कुकर को यहाँ कर दिया है पैक और गैस में जैसे ही सीटी लगे गैस को बिल्कुल सिम कर दिया। इधर मैं फटाफट से आटा लगा रही हूँ क्योंकि आलू के पराठे बनाने हैं। सो अब तेज़ी के साथ काम हो रहा है, खुल गया कुकर और फटाफट मैं इन आलूओं को कुकर में ही मैश करूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से एक आलू बिल्कुल गल चुके हैं। फटाफट इसको मैश करने के बाद से इन्हें ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आलू अब पूरी तरह से हो चुके हैं ठंडे, इन्हें दोबारा से एक बार मैं प्रेस कर रही हूँ, मसल रही हूँ। और चलिए अब बनाते हैं पराठे। कैसे हमने पराठे बनाए आलू के? फ्रेंड्स अब इस समय जा रही हूँ पराठा और चाय खाने के लिए। सबको खिला दिया है मैंने, सब लोगों ने खा लिया, अब मेरी बारी है। कृषि अभी है नहीं, अभी आएगा तो खाएगा, किसी काम से गया बाहर। सो फ्रेंड्स अभी अभी कृषि शॉपिंग करके आया है, ये नाइफ लेके आया है। इसको बहुत मन था, मैं जब भी कुछ कहती थी कि ये चॉप कर दो तो ये बोलता था मुझे चॉपिंग बोर्ड चाहिए, नाइफ चाहिए, तब जाके मैं करूँगा। ये अपनी बुक्स भी लेने गया था तो बुक्स भी लेकर के आया है। चलो भाई आ गया इनका नाइफ और शॉपिंग। हाँ ये नहीं लोग का है, मम्मी उद्घाटन कर रही हैं। भाई बाबू बहुत बचाना पड़ेगा। देखा जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ये छिलका तो ऐसे ही उतारना पड़ेगा। हाँ वो मेरे को आता है, ट्रक छोड़ो। नहीं पहले पहले मैं हाफ चॉप करके फिर दिखाती हूँ कैसा हो रहा है, तो मेरे से होता है कि नहीं होता है। हाथ तो बचाना पड़ेगा, बट हाँ ये है कि ये है ठीक है, सही है, सही लगा मुझे। हाथ नहीं बढ़ाना पड़ेगा। हाँ तुमको भी काटना है। हाँ आओ काट के, लेकिन बेटा बाबू हाथ दिख के। अच्छी लेफ्टी है। कैसे हाँ पतला पतला, यही तो स्किल होता है बेटा, हाथ हो जाते हैं। कटा तो बहुत ज्यादा कट जाता है। खुशी नहीं होता, डर लगता है। फ्रेंड्स आज बन रहा है नूडल्स, और आप लोगों ने देखा ही कि आज हमारे वहाँ कृषि बस चॉपिंग बोर्ड इसीलिए लाया है कि वो आज प्याज कट करेगा। और इस खूनी चाकू और इस चॉपिंग बोर्ड ने क्या किया मैं बताती हूँ। सबके हाथ कट गए, कृषि का भी हाथ इससे कटा, मेरा भी कटा और मिस्टी का भी। थोड़ा थोड़ा सबको लग गया है, कृषि का थोड़ा ज्यादा लग गया है, बट बच के रहिएगा। अगर आपकी फिंगर नाइफ लाएगा तो मैं पहले ही बता देती हूँ कितना डेंजरस है ये। विशाल मेगा मार्ट से कितने का मिला बाबू? 200 और सबके ही हाथ थोड़े थोड़े कट गए। चलिए फिर भी ठीक है, विशाल मेगा मार्ट से लेकर आया बाबू। तो आज बन रहा है नूडल्स, काफी दिन हो गए थे हमारे पास नूडल्स नहीं बना था, लेकिन चॉपिंग मस्त हुई है। मैं दिखाती हूँ चॉपिंग, देखिए मिर्ची अदरक लहसुन कितने अच्छे से कट हुआ है। ये प्याज किसी कृषि ने कट कर दिया है, आधी टमाटर मीठी ने कट करी, आधी मैंने, इसीलिए हम तीनों ने हाथ काटा क्योंकि हम तीनों ने चॉपिंग की। मीठी बना रही है नूडल्स और इसने बड़ी तैयारियां करी हैं। वैसे तो तैयारियां हम लोगों ने करके दी थी, लेकिन इसने एक चीज बड़ी अच्छी सी बनाई, मुझे बहुत अच्छी दिख रही है गाइस। ये देखिए इसने क्या बनाया है, इसने एक तरीके का सॉस बनाया है, पिज्जा पे भी ये लगा सकते हैं। और ये ऐसा सॉस बनाइए ना कि ये बनाइए, इसमें डालेगी नूडल्स में, नूडल्स का एकदम फ्लेवर चेंज हो जाएगा। इसमें क्या क्या डाली मीठी? मैंने इसमें डाला है टमाटर, दो ही तीन टमाटर को मैंने अदरक लहसुन और मिर्चा के साथ छौंका लगा दिया, और थोड़ा सा पानी डालकर उसको ढक दियो फिर बॉयल होता गया। फिर उसमें दो तीन पैकेट सॉस डाल दियो, दो तीन पैकेट सॉस डालने के बाद मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरेगानो भी डाल दियो, और नमक भी डाली हूँ और चीनी भी डाली हूँ, दोनों डाल के नमक चीनी डाल के। और उसके बाद मिक्सी में इसको
ग्राइंड कर दिया और एकदम पेस्ट बना दिया। एंड मैं इसे थोड़ा सा टेस्ट क्यूँ, बहुत ज्यादा चटपटा लग रहा है, मैंने बोला पूरा नहीं डालना, बहुत ज्यादा है, थोड़ा ही डालेगी और नूडल भी पूरा नहीं बन रहा, तो इसको बोले कुछ स्टोर करके फ्रिज में रख देना, वो बहुत तेज बना, बहुत टेस्टी बनेगा नूडल। और यहाँ पे मिट्टी जो है बोड़ा फ्राई कर रही है, और बोड़ा ना उस वाले नाइफ से गाइस इतना अच्छा कर, मिट्टी दिखा डायमंड शेप में मैंने कट करा, दिखा उठा के दिखाओ ना, ये देखिए डायमंड शेप में इतना अच्छे से कट हुआ है। और क्या क्या भून लियो, प्याज और गाजर भून ली, गाजर मुझे लग रहा जला दियो क्या, तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से जला है, हर बात जो गलत हो वो मेरी, जो गलती होगी वो तुम्हारी वजह से, तो अच्छा जो मेरी वजह से, चलो भाई चाकू से क्या करना है, आईफोन को नहीं, मिस्टी रख दो रख दो रख दो, आईफोन को रेख दूं, नहीं नहीं रख दो, ये चाकू तो एकदम खूनी हो गया है, बहुत खतरनाक, सबके हाथ थोड़े थोड़े लग गए। मम्मी यार इसको यहाँ टांग दियो, मन में कोई ऐसे काम कर रहा हो, चाकू भी जा रहा है, हाथ भी लग गया, दो हाथ दो टुकड़े में हो जाएगा। मिट्टी बना के सबसे पहले मुझे लाके दे दी और बोली मुझे टेस्ट करके बताओ कि कैसा लग रहा है, क्या कम है ज्यादा है, तो वो मुझे टेस्ट करके उसको बताना पड़ेगा, तो देखती हूँ। सब कुछ सही है, थोड़ा सा सॉस चाहिए बस, मुझे लगता है ऐसा सही है। मम्मी की वीडियो को एंड कर लेते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा वो कम, उसकी कमी थी, सॉस की बढ़ा दिया और थोड़ा सा तुम उसको ओवर कुक कर दी, मतलब नूडल्स थोड़ा सा ज्यादा पक गए, चले ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल, इधर देखिए चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए एंड पॉजिटिविटी बांटते रहिए, इस तरह की पॉजिटिविटी, बाय बाय।